दोस्तों नमस्कार। अनजाने में स्टूल का निकलना या वायु के साथ में स्टूल का निकल जाना, अचानक पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसे भी अवस्थाएं हैं कि पता भी नहीं चलता और स्टूल जो है निकल जाता है और बेड भी जो है वो ख़राब हो जाता है। ये पेट की गड़बड़ी की वजह से होता है और आंतों की पेस्टालसिस मूवमेंट के ठीक ढंग से काम ना करने की वजह से होता है। इसमें जो सबसे पहली दवा है वो है एलोज। एलोज सोकोट्रिना को 12 की प्रोडेंसी में कम से कम दिन में 5 से 6 बार लें तो इससे आपकी पेस्टालसिस मूवमेंट भी ठीक हो जाएगी और अनजाने में पैखाना भी आपका नहीं निकलेगा। वायु निकलते समय भी मलत्याग का आ जाना, ऐसे में प्रोफाइलम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे आप 30 की प्रोटेंसी में या 12 की प्रोटेंसी में आप दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं, आधे कप पानी में डाल के। उसके साथ में क्लोरोमाइसिटीन होम्योपैथिक दवाई है, ये आपको होम्योपैथिक स्टोर पे मिलेगा। क्लोरोमाइसिटीन नाम जो एलोपैथी है लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रोटीन फॉर्म में मिलती हैं। इसे 30 के पोटेंशियम लेके दिन में कम 4 से 5 बार लेते रहें। याद रखें सभी दवाइयों को कभी एक साथ मिलाकर न लें, इसे अलग अलग लें, हर 20 मिनट के अंतराल में लेते रहें। इसके अलावा हम कुछ और आपको बता रहे हैं जो आप ध्यान से सुने। नक्स भूमिका कब्ज और अनजाने में स्टूल के लिए, कब्ज और अनजाने में स्टूल के लिए। ब्रानिया अनजाने में स्टूल के साथ साथ पेट के दर्द के लिए, अनजाने में स्टूल पास हो जाता है और पेट में दर्द भी होता है। कोलोसिंथ 12 की प्रोटेंसी में अनजाने में स्टूल के साथ साथ पेट के दर्द और गैस के लिए। साइलिसिया अनजाने में स्टूल के साथ साथ त्वचा और बालों की समस्याओं के लिए। लाइकोपोडियम अनजाने में स्टूल के साथ साथ पेट के दर्द और गैस के लिए, ये दवाइयाँ बहुत ही आपको फायदा करेंगी। कार्बोफेज अनजाने में स्टूल के साथ साथ पेट के दर्द के लिए, दर्द और गैस के लिए। इसे हमेशा 12 या 30 की प्रोटेंसी में, लोअर प्रोटेंसी में लेंगे तो बहुत जल्दी कार्य करती है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको काफ़ी परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।